हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग फ्रेंड्स? आज हम तीन तरह का चॉकलेट बार बनाना सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए वाइट कंपाउंड चॉकलेट 100 ग्राम्स, 3 से 4 ओरियो बिस्किट, 8 से 10 जुजुबी और 50 ग्राम टूटी फ्रूटी। ये वाइट कंपाउंड चॉकलेट है, इसको हम पहले मेल्ट कर लेंगे। आपको 30-30 सेकेंड करके मेल्ट करना है, एक साथ एक मिनट मेल्ट नहीं करना है, इससे आपका चॉकलेट जल जाएगा। तो पहले हम 30 सेकेंड माइक्रोवेव में डाल के मेल्ट करेंगे, उसके बाद फिर से 30 सेकेंड करेंगे अगर मेल्ट नहीं हुआ तो। ठीक है, अब मैं इसको 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करूंगी। मेल्ट नहीं हुआ है, पर हमको इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे, देखिए थोड़ा थोड़ा मेल्ट हुआ है, पूरा अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से स्टेयर कर लेंगे हम इसको। और इसको फिर से हम 30 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे। देखिए अब फिर से मैंने 30 सेकेंड माइक्रोवेव किया ना, अब इसको हम अच्छी तरह से टेम्पर कर लेंगे। टेम्पर मीन्स इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, जो बबल्स है ना वो चला जाएगा, अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये लिक्विड कंसिस्टेंसी में आना चाहिए। ये जितना गर्म है उसी में ये गल जाएगा। थोड़ा बबल्स है, इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे तो ये बबल्स चला जाएगा। देखिए ऐसा लिक्विड कंसिस्टेंसी होना चाहिए आपका। ठीक है, ये जो मोल्ड है इसको चॉकलेट पोर करने से पहले टिश्यू पेपर या कोई भी सूखे कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, ताकि चॉकलेट पे कोई दागी ना आ जाए। ठीक है, जैसे डस्ट का दागी आ सकता है, या आपने अगर पुराना कभी चॉकलेट बनाया होगा तो उसका भी दागी आ सकता है, इसलिए हमेशा चॉकलेट बनाने से पहले अच्छी तरह से इसको साफ कर लीजिए। अब हम इसमें वाइट चॉकलेट को पोर करेंगे धीरे धीरे से। पोर करके इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे धीरे से, और टैप कर लेंगे। ऐसे टैप करने से क्या होगा, अगर इसमें कोई एयर बबल है तो वो चला जाएगा। ठीक है, इसमें और थोड़ा सा हम डालेंगे। देखिए मैंने इसमें डाल दिया, अब इसको अच्छी तरह से टैप कर लेंगे दो तीन बार। मैंने इसमें चॉकलेट पोर कर दिया है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये टूटी फ्रूटी है, आप कोई भी कलर का टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं, और जितना क्वांटिटी आपको पसंद है उतना डाल दीजिए। ऐसे इसमें डाल देंगे, ठीक है। दूसरा में हम ये जुजुबी है,
ये भी आसानी से आपको मिल जाएगा कोई भी शॉप में, वो डाल दीजिए कलर कलर वाला। इसको आप कट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। अब तीसरे वाले में ये ओरियो बिस्किट है, इसको हम हाफ करके ऐसे डाल देंगे। देखिए तीन तरह का, इसको हम बार्क बोलते हैं, तो ये चॉकलेट बार्क आपका तीन तरह का बन चुका है। अब इसको मैंने सेट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखना है इसको, ठीक है। देखिए 15 मिनट हो चुका है, अब हम इसको फ्रिज से मैंने निकाल लिया है, अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अगर वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।